तो गाइस एपेक्स लेजेंड मोबाइल गेम ग्लोबली लॉन्च हो चुका है और अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो इस गेम में कंट्रोलर सपोर्ट भी है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो कोई भी कंट्रोलर आप लोग अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो और इस एपेक्स लेजेंड मोबाइल गेम को आप लोग कंट्रोलर से भी एंजॉय कर सकते हो, कंट्रोलर से भी खेल सकते हो। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को PS2 का भी कंट्रोलर कनेक्ट करके दिखाऊंगा, PS4 का भी कंट्रोलर कनेक्ट करके दिखाऊंगा और Xbox 360 का भी कंट्रोलर कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को PS4 का कंट्रोलर कनेक्ट करके दिखा देता हूं। तो अगर आप लोगों के पास PS4 का कुछ ऐसा दिखने वाला कंट्रोलर है तो यहां पे आप लोग PS की बटन और शेयर की बटन दोनों बटन को साथ में प्रेस करके अपने कंट्रोलर को ऑन कर सकते हो। जैसे आप लोग दोनों बटन को साथ में प्रेस करके रखोगे थोड़ी देर के लिए तो आपका कंट्रोलर ऑन हो जाएगा और उसकी ब्लू लाइट जो है ऐसे फास्ट में ब्लिंक करने लग जाएगी। जैसे ही आपकी ब्लू लाइट ब्लिंक करने लग जाए कंट्रोलर में, उसके बाद में आप लोग अपने फोन में ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हो। ब्लूटूथ को ऑन जैसे ही आप लोग कर लोगे तो वहां पे आप लोगों को अवेलेबल डिवाइसेस में नीचे आप लोगों को यहाँ पे वायरलेस कंट्रोलर नाम से दिखाई देगा, जिसके ऊपर आप लोग टच करके अपने कंट्रोलर को पेयर कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन से या फिर अपने फोन से। तो यहाँ पे मैं पेयर पे टच करूंगा और उसको पेयर कर दूंगा अपने ब्लूटूथ के हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोलर है PS4 का वो पेयर हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है हमारे फोन से। तो जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो PS4 की जो लाइट है कंट्रोलर की वो ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक करना बंद कर देगी, कॉन्स्टेंट जलती रहेगी। अब जैसे आप लोगों ने कंट्रोलर को कनेक्ट कर लिया उसके बाद आप लोग गेम ओपन कर सकते हो और अपने गेम में सेटिंग्स में जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को एक कंट्रोलर की सेटिंग दिखाई देगी, उस कंट्रोलर की सेटिंग में जाओ और यहाँ पे आप लोगों को सारा बटन दिखाई देगा कि आप लोग कौन सी बटन से क्या कर सकते हो अपने कंट्रोलर से। अगर आप लोग चाहो तो इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, कस्टमाइज नहीं करना है तो मत करो, वैसे तो मैं डिफॉल्ट पे रहने दूंगा यहाँ पे और आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कंट्रोलर को डिफॉल्ट पे छोड़ दिया है और उसके बाद मैं अपना कंट्रोलर अगर हाथ में लेके आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जॉयस्टिक मूव करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक कर्सर जो है वो मूव कर रहा है मेरे स्क्रीन पे। और अगर आप लोगों को एकदम प्रॉपरली मैं चेक करके दिखाऊं, आप लोगों को भी अगर प्रॉपरली चेक करना है तो आप लोगों को कोई एक गेम लगा लेना है, मतलब कोई एक मैच चालू कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में चले जाता हूँ, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके यहाँ पे मैं प्ले करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कंट्रोलर जो है मेरा वो प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने चालू कर दिया है, इसको हम लोग लोड होने देते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ट्रेनिंग है वो लोड हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे भाग पा रहा हूँ, कूद पा रहा हूँ और स्लाइड भी मार पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा कंट्रोलर है PS4 का वो प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है और एकदम प्रॉपरली काम कर रहा है हमारे एपेक्स लेजेंड मोबाइल के साथ। तो अब मैं आप लोगों को PS2 का कंट्रोलर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो अगर आप लोगों के पास PS2 का कंट्रोलर है कुछ ऐसा दिखने वाला, तो यहाँ पे आप लोग इसको अगर देखोगे तो इसका जो पिन होता है, जो इसका कनेक्टर होता है, वो कुछ ऐसा चपटा सा होता है, बड़ा सा। तो इसको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को चाहिए एक OTG कनेक्टर, बट OTG कनेक्टर में भी डायरेक्टली ये पिन तो लगेगी नहीं, बहुत चपटी है। तो ये कनेक्ट करने के लिए OTG कनेक्टर से आप लोगों को कुछ ऐसा टाइप का कनेक्टर लगेगा, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये कनेक्टर चाहिए आप लोगों को। तो ये कनेक्टर को आप लोगों को इसमें आप लोगों को सबसे पहले अपना PS2 का कंट्रोलर लगा लेना है कुछ ऐसे, और उसके बाद में इसका जो सेकेंड एंड है वो USB वाला है, तो उसको हम लोग अपने OTG कनेक्टर में लगा सकते हो। तो आप लोगों को OTG कनेक्टर तो पता होगा जो फोन में लगता है अपने। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले OTG कनेक्टर अपने फोन में लगा लूंगा। तो यहाँ पे जो फोन में हमारा चार्जिंग वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे, उसमें सॉकेट में मैं लगा लूंगा अपना OTG कनेक्टर। और OTG कनेक्टर लगाने के बाद में अपने फोन में अपना जो दूसरा कनेक्टर वाला जो एंड था उसको मैं अपने फोन से डायरेक्ट कनेक्ट कर लूंगा अपने OTG कनेक्टर में। यहाँ पे कनेक्ट करते थे आप लोग देख सकते हो लाइट ब्लिंक करने लग गई मेरे कंट्रोलर की, और यहाँ पे कंट्रोलर में भी मेरे रेड लाइट दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारा जो PS2 का कंट्रोलर है वो कनेक्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं एकदम यूज करके भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, जो हमारा PS2 का कंट्रोलर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पे हमारे Apex Legends मोबाइल गेम के साथ में। तो अब बारी है Xbox 360 के कंट्रोलर की। तो अगर आप लोगों के पास Xbox 360 का कंट्रोलर है कुछ ऐसा वाला, वायर वाला, जिसका एक एंड जो होता है वो USB वाला होता है, तो ये कनेक्ट करना तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली OTG कनेक्टर जो हमने पहले यूज करके दिखाया वो बस OTG कनेक्टर को डायरेक्ट आपका जो USB वाला एंड है उसको कनेक्ट करना है, और जो OTG वाला एंड है उसको डायरेक्टली अपने फोन में कनेक्ट कर लेना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो आपका जो Xbox का कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा कंट्रोलर ऑन हो चुका है। इसको अगर मैं यूज करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कंट्रोलर भी एकदम प्रॉपरली जो है हमारे गेम के साथ में काम कर रहे थे। यहाँ पे हमारा Xbox 360 का कंट्रोलर भी कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि अगर आप लोगों का Xbox 360 का ऐसा वायरलेस कंट्रोलर है, वायर वाला नहीं, वायरलेस कंट्रोलर, तो ये कंट्रोलर डायरेक्टली अपने एंड्रॉइड फोन से या फिर किसी भी फोन से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है ब्लूटूथ से, जैसे हमने अपना PS4 का कंट्रोलर डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ की हेल्प से, वैसे ये कंट्रोलर कनेक्ट नहीं होता है। ये कुछ अलग ही काम करता है, ये सिर्फ Xbox 360 से ही वायरलेसली कनेक्ट होता है, या तो फिर एक अलग से रिसीवर खरीदना पड़ता है, जो कि खरीद के कोई मतलब की बात नहीं है। तो गाइस बस ये वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो को हम लोग यहां पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।